कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह क्लब हाउस वायरल चैट की शिकायत करने साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर उनके ऑडियो में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। क्लब हाउस चैट पर कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने वाले बयान को लेकर विवादों में आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की आईटी सेल पर ऑडियो में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। ट्विटर हैंडल क्लब हाउस लीक्स के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने साइबर सेल भोपाल में शिकायत की और बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी से भी इसकी शिकायत की है। यह शिकायत ट्विटर हैंडल @ लीक्स क्लब हाउस के खिलाफ की गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस ट्विटर हैंडल से लगातार कांग्रेसी नेताओं की छवि को खराब करने के लिए झूठे और भ्रामक ट्वीट किए जा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के साइबर सेल जाने को लेकर भाजपा के नेताओं ने इसे चर्चा में बने रहना बताया। और मूल बात उसमें यही है कि मेरे कथन को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके और गलत माहौल मेरे खिलाफ पैदा किया, उस बात को लेकर आहत होकर मैंने आज जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत शासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस पर उसी प्रकार से शीघ्र कार्रवाई करें जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़ी तत्परता से उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया था। इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने एडिट किया, जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन उस तोड़े मरोड़े एडिटेड कॉपी को जिन लोगों ने रीट्वीट किया उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए। और मैं क्लब हाउस ऐप के लोगों को, क्योंकि क्लब हाउस के का उसमें मेमोरेंडम में है कि वो चर्चा जो हुई है उसको वो लीक नहीं कर सकता, और वो भी एडिटेड वर्जन लीक किया गया है, तो उनको भी मैं नोटिस दे रहा हूं और ट्विटर को भी मैंने नोटिस दिया है। और अब मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि जो तत्परता आपने उत्तर प्रदेश के प्रकरण दिखाई है वही तत्परता मध्य प्रदेश के प्रकरण दिखा दीजिए। भोपाल में साइबर सेल के SP डॉक्टर गुरुकरण सिंह को दिग्विजय सिंह ने अपना शिकायती पत्र FIR दर्ज करने के लिए सौंपा। साइबर सेल ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की शिकायत को जांच में ले लिया है और इस पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की बात कही है। किसी का नाम नहीं है, शिकायत जो है, शिकायत में जो तथ्य है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।